वेलकम फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस, जो कि हमारी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का एक टॉपिक है और कंप्यूटर का हमारा पहला लेक्चर है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस हैं जिससे इंफॉर्मेशन मिलती है कंप्यूटर को सराउंडिंग्स के बारे में। तो कोई भी जो वो डिवाइस है जो इन्फॉर्मेशन देती है कंप्यूटर को सराउंडिंग्स के बारे में, उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में जो हैं रिसेप्टर्स होते हैं, वैसे इनपुट डिवाइस होता है कंप्यूटर में। जैसे कि आइज़ हैं, ईयर्स हैं, या स्किन है, ये इन्फॉर्मेशन देती है एक इंसान को बाहरी दुनिया के बारे में। इसी तरह जो कंप्यूटर है उसको इनपुट डिवाइसेस इन्फॉर्मेशन देती हैं बाहरी दुनिया के बारे में। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, ग्राफिक टैबलेट, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर और बारकोड रीडर कॉमन तरह के इनपुट डिवाइसेस हैं। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड है। आप सब इससे फेमिलियर होंगे। तो इसमें सबसे ये वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड इनपुट डिवाइसेस हैं। तो इसमें आमतौर पर 84 या 102 नंबर ऑफ कीज़ होती है, लेकिन जो नए कीबोर्ड्स हैं इनमें स्पेशल कीज़ भी होती हैं, शॉर्टकट्स भी होते हैं। तो इनमें 104 to 108 कीज़ होते हैं। बहुत तरह के कीज़ होते हैं कीबोर्ड में। टाइपिंग कीज़ होती हैं, न्यूमरिक कीज़ होती हैं, फंक्शन कीज़ होती हैं और स्पेशल कीज़ भी होती हैं। टाइपिंग कीज़ वो कीज़ होती हैं जो कि ए टू जेड टाइप करती हैं, यानी कि जिनमें ए टू जेड लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट हम टाइप कर सकते हैं। और इनमें 0 to 9 भी आता है, वो कीज़ भी आती हैं। 0 to 9 वाली कीज़ जो हैं वो टॉप रो में होती हैं और ए टू जेड वाली जो कीज़ हैं वो बॉटम लेफ्ट में होती हैं, मतलब कीबोर्ड के। तो इनमें क्वर्टी पैटर्न होता है, QWERTY क्वर्टी पैटर्न होता है। इसमें लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट का एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है जिसको क्वर्टी सेटअप बोलते हैं। दूसरे भी सेटअप्स हैं कीबोर्ड के लिए, तो वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे ब्रीफली। न्यूमरिक कीपैड जो होता है वो राइट में होता है, उसमें 0 to 9 फिर से रिपीट होता है और ऑपरेटर कीज़ भी होती है, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और भी कुछ कीज़ होती है उसमें। जैसे कि कैलकुलेटर में होता है वैसे ही इसमें भी होता है लेआउट कीज़ का। इसमें एरो कीज़ भी होती हैं जो नेविगेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, या किसी कीबोर्ड में वो सेपरेट होती है। फंक्शन कीज़ जो हैं वो कीबोर्ड के सबसे टॉप वाले रो में 12 कीज़ होती है जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए यूज़ होती है। इनको बोलते हैं F1 to F12। मिसाल के तौर पर F1 की जो है वो रिफ़्रेश करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर में या लैपटॉप में। तो ये टॉप रो में होते हैं कीबोर्ड में, जैसा कि हमने अभी बताया। कंट्रोल कीज़ वो कीज़ हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस करती हैं नेविगेशन के लिए, एंट्री इंट्रो या प्रोग्राम या नेविगेशन के लिए, या फिर एग्जिट करना है किसी प्रोग्राम से जिसमें इंसान फंस गया हो, पता नहीं है कैसे निकलना है। इंसर्ट की है, होम की है, डिलीट की है, पेज अप है, पेज डाउन है, अल्ट है, एस्केप है, कंट्रोल है। तो स्पेशल इसके अलावा भी हैं कुछ कीज़, उनको बोलते हैं स्पेशल पर्पज़ कीज़। जो होम की हैं वो किसी प्रोग्राम में हमें होम पेज पर लाती हैं। इंसर्ट से हम टेबल या क्लिप आर्ट या फिर कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट से हम कोई फाइल जो हमने सेलेक्ट की हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे वो हम डिलीट कर सकते हैं। पेज अप से हम स्क्रॉल अप कर सकते हैं, पेज डाउन से स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, ऑल्ट से कुछ बहुत सारी फंक्शंस की जाती हैं जब ये एक दूसरी कीज़ के साथ मिलाया जाता है। एस्केप से हम किसी प्रोग्राम से एस्केप होते हैं, और कंट्रोल से भी बहुत सारी फंक्शन की जाती हैं जब ये किसी दूसरी की के साथ मिलाया जाता है, जैसे कि ऑल्ट। तो अब कुछ और कीज़ भी होती हैं जिनको स्पेशल पर्पज़ कीज़ भी बोला जाता है, जैसे कि कैप्स लॉक हैं। जब कैप्स लॉक हम दबाते हैं तो इनपुट स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर्स में होता है, और अगर फिर कैप्स लॉक दबाएंगे तो कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर्स में हो जाएगा। नम लॉक भी है, न्यूमेरिकल लॉक ये करता है, नंबर्स एंटर नहीं होते हैं। तो स्पेस बार जो है वो एक लंबी सी की होती हैं जो बॉटम रो में होती हैं आमतौर पर कीबोर्ड्स में। इस पर कोई निशान नहीं होता है, ये बहुत लंबी की होती है। तो इसको यूज़ करते हैं स्पेस देने में, अगर वर्ड्स के दरमियान स्पेस देनी है तो उसको हम यूज़ करते हैं, स्पेस बार को दबाते हैं। इसको आमतौर पर थंब से दबाया जाता है और बाकी कीज़ को फिंगर से दबाया जाता है, जैसे कि टाइपिंग में सिखाया जाता है। एंटर की एक एल शेप्ड की होती है जो कि किसी कमांड को एंटर करने में मदद करती हैं, या फिर एक पैराग्राफ छोड़ती है, या फिर एक नेक्स्ट लाइन पर कर्सर को लाती है। ये इसकी फंक्शंस हैं। शिफ्ट से अगर हम शिफ्ट और किसी और लेटर को
फिर टे प्रेस करेंगे तो वो लेटर कैपिटलाइज होगा, लेकिन अगर कैप्स लॉक होगी तो फिर वो स्मॉल हो जाएगा अगर कैप्स लॉक भी ऑन होगी। आमतौर पर जब शिफ्ट को किसी लेटर के साथ मिलाया जाता है तो वो कैपिटलाइज होता है वो लेटर। टैब एक की है जिस जो हम टेबल में यूज़ करते हैं, इसमें हम एक सेल से दूसरे सेल तक कर्सर को ले जा सकते हैं। जब हम टैब को प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट सेल पर कर्सर आ जाएगा। जो देखिए यहाँ पर कर्सर इस सेल में है, तो अब जब हम टैब प्रेस करेंगे तो फिर इस सेल में आ जाएगा कर्सर। प्रिंट स्क्रीन जो है ये एक तरह का स्क्रीन शॉट है, जो कि कंप्यूटर का स्क्रीन शॉट है। वो स्क्रीन शॉट उठाता है कंप्यूटर का और उसको सेव करता है एज ए पिक्चर। उस पिक्चर को हम वर्ड फाइल में भी डाल सकते हैं, पीडीएफ भी बना सकते हैं, या फिर एज पिक्चर भी सेव कर सकते हैं और उसको प्रिंटर के ज़रिए प्रिंट भी कर सकते हैं। डिलीट की, जैसा कि हमने पिछली बार स्लाइड्स में बताया कि डिलीट की उस फाइल को डिलीट करता है जिसको हमने सेलेक्ट किया है। एस्केप की से हम किसी प्रोग्राम से बाहर निकल सकते हैं जिसमें फंस गए हैं, हमें पता नहीं है कैसे वापस जाना है। ये आमतौर पर गेमिंग एप्लीकेशंस में होता है। इंसर्ट की से हम एक टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। तो आगे जाते हैं, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स में बताया कि होम एंड पेज अप पेज डाउन की जो हैं वो नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं एक डॉक्यूमेंट में या फिर एक एप्लीकेशन में। कीबोर्ड का ये रिप्रेजेंटेशन है, ये टाइपिंग कीज़ हैं, ये SB स्पेस बार हैं, 0, 1, 2, 3, 4 ये नंबर कीज़ हैं जो कि टाइपिंग कीज़ का एक पोर्शन है। फंक्शन की सबसे टॉप में है F1 to F12। डिलीट की हैं, ये बैक स्पेस की हैं, और ये नम लॉक है, ये कैप्स लॉक है, और ये प्रिंट स्क्रीन की है। न्यूमर कीज यहाँ होती हैं और नेविगेशन कीज यहाँ होती हैं, वो हमने नहीं दिखाई है। तो एक की के बारे में हमें डिस्कस करना रह गया, वो बैक स्पेस हैं, ये स्पेस को ख़त्म करती हैं। जब हम स्पेस बार दबाते हैं तो वो स्पेस एक छोड़ती हैं डॉक्यूमेंट में, और अगर हमें वो स्पेस नहीं चाहिए तो हम बैक स्पेस दबाते हैं तो वो एक स्पेस बैक हो जाती है, या फिर एंटर को अंडू करने के लिए भी बैक स्पेस दबाया जाता है। जो स्पेशल कीज़ होती हैं ये इंटरस्पर्स की गई हैं बाकी कीज़ के दरमियान होती हैं। आमतौर पर तो ये टाइपिंग कीज़ के दरमियान ही होती हैं। यहाँ पे शिफ्ट भी होता है या आल्ट भी होता है, टैब भी होता है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे दिया हुआ है स्पेस बार, एंटर, प्रिंट स्क्रीन, कैप्स लॉक, नम लॉक, बैक स्पेस और डिलीट। तो अब हम अगले जो इनपुट डिवाइस पे आते हैं उसको माउस बोलते हैं। ये चूहे जैसा होता है और इसलिए इसको माउस भी कहते हैं। तो इसका प्रेडेसेसर यानी कि पहले ट्रैक बॉल बना उसके बाद माउस बना। ट्रैक बॉल जो है वो इन्वेंट किया था राल्फ बेंजामिन ने। तो लास्ट वाली स्लाइड में हम बोलेंगे कि माउस किसने इन्वेंट किया था। राल्फ बेंजामिन ने माउस का प्रेडेसेसर यानी कि ट्रैक बॉल डिस्कस किया था इन्वेंट किया था। ये वो डिवाइस, इससे कंट्रोल होता है कर्सर आगे पीछे दाएं बाएं। हम कर्सर को मूव कर सकते हैं जब हम माउस को आगे पीछे दाएं बाएं मूव करते हैं। तो माउस मैकेनिकल भी होता है और ऑप्टिकल भी होता है, और ये दो तरह के माउस होते हैं, मैकेनिकल और ऑप्टिकल। वायरलेस भी होता है लेकिन वो भी मैकेनिकल या ऑप्टिकल ही होता है। तो वो हम मैकेनिज्म में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें टाइप्स ऑफ माउस याद रखने हैं और उसकी फंक्शन याद रखनी है। माउस में दो बटन होते हैं, राइट बटन यानी कि राइट क्लिक करते हैं, या लेफ्ट बटन होता है उसको लेफ्ट क्लिक बोलते हैं। तो राइट बटन जो है वो ड्रॉप डाउन मेनू के लिए यूज़ होता है। जब हम राइट बटन दबाते हैं, जब हम पहले किसी आइकन को सेलेक्ट करते हैं, किसी फाइल को सेलेक्ट करते हैं, फिर उसको राइट क्लिक करते हैं, तो उसमें ड्रॉप डाउन मेनू नीचे आ जाता है, स्क्रीन के सामने आ जाता है। फिर जब हम लेफ़्ट बटन प्रेस करते हैं तो उससे वो उस मेनू में से कोई चीज़ सेलेक्ट होती है और फिर एग्जीक्यूट होती है। तो यही फंक्शन है राइट और लेफ़्ट कीज़ का, इनको बोलते हैं राइट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक भी कहा जाता है। डबल क्लिक जब हम करेंगे किसी फाइल को सिलेक्ट करके तो वो फाइल डायरेक्टली खुल जाएगी, या तो फाइल खुल जाएगी, या एप्लीकेशन खुल जाएगी, या गेमिंग प्रोग्राम खुल जाएगा, या जो भी चीज़ जिस पे डबल क्लिक होगा वो खुल जाता है। उस पे राइट या लेफ़्ट क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। और ये डबल क्लिक जो है ये राइट की से ही किया जाता है, लेफ़्ट से नहीं किया जाता है। माउस में एक रोटेटिंग बॉल यानी कि व्हील, वर्टिकल व्हील जैसा भी होता है जो कि नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। जब इसको क्लॉकवाइज मोमेंट देते हैं तो डॉक्यूमेंट जो है आप ऊपर चला जाता है,
और जब इसको काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट देते हैं तो डॉक्यूमेंट नीचे चला जाता है, मतलब नीचे जाता है। तो ऊपर जाने का मतलब ये है कि यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, जब जब हम काउंटर क्लॉकवाइज में इसको देंगे तो डॉक्यूमेंट नीचे चला जाएगा, यानी कि हम ऊपर पहुँच जाएंगे। इसी तरह जब डॉक्यूमेंट ऊपर जाएगा हम नीचे पहुँच जाएंगे, तो क्लॉकवाइज मोमेंट से हम नीचे पहुँच जाएंगे और डॉक्यूमेंट ऊपर जाएगा, और काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट से हम डॉक्यूमेंट नीचे जाएगा और हम ऊपर पहुँच जाएंगे। तो ये नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होता है बॉल, ये माउस का रिप्रेजेंटेशन है जो आप देख सकते हैं, राइट क्लिक है, लेफ्ट क्लिक है, और बॉल है और कॉर्ड है। अगला जो इनपुट डिवाइस है वो स्कैनर है। स्कैनर से क्या होता है, ये लाइट रेज को कन्वर्ट करता है इनपुट बाइनरी इनपुट में, और ये एक डॉक्यूमेंट को डिजिटाइज करता है, या तो डॉक्यूमेंट को डिजिटाइज करता है या फोटोग्राफ को डिजिटाइज करता है। इससे बनती है पिक्चर इस डॉक्यूमेंट की, या पीडीएफ फाइल भी बना सकते हैं बाद में, या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं। इसी तरह जॉयस्टिक है, ये एक मॉडिफाइड माउस है जिसमें दो बॉल्स होते हैं, अपर बॉल और लोअर बॉल। ये एक गियर की तरह है, जैसे गाड़ी में गियर होता है वैसे होता है। तो लोअर बॉल भी एक सॉकेट में मूव करता है और अपर बॉल भी हम हाथ से मूव कर सकते हैं। जब हम इन बॉल्स को मूव करते हैं तो कर्सर मूव होता है आगे पीछे दाएं बाएं, जैसे कि माउस से होता है आगे पीछे दाएं बाएं। हम कर्सर को मूव कर सकते हैं जब हम माउस को आगे पीछे दाएं बाएं मूव करते हैं। इसी तरह जॉयस्टिक को भी हम आगे दाएं आगे पीछे दाएं बाएं मूव करेंगे तो माउस भी, ये कर्सर भी मूव हो जाएगा। जॉयस्टिक में नेविगेशन है फास्टर है माउस से, तो इसीलिए ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग और गेम्स में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये जॉयस्टिक का रिप्रेजेंटेशन है, ये अपर बॉल है, ये लोअर बॉल है, और ये जॉयस्टिक है। एक और इनपुट डिवाइस है लाइट पेन, जिसको जिसमें एक बटन होता है, एक ऑप्टिकल सिस्टम अंदर होता है, और एक फोटो डिटेक्टर होता है। जैसा कि आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं, फोटो सेल है, बटन है, कॉर्ड है, और अंदर एक ऑप्टिकल सिस्टम है। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो इससे हम कोई फाइल स्क्रीन पे सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई एप्लीकेशन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इससे हम पिक्चर्स भी ड्रा कर सकते हैं, जब हम रेलेवेंट सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो पिक्चर्स भी हम ड्रा कर सकते हैं, या कोई ड्राविंग भी ड्रा कर सकते हैं। लेकिन जब हमें यूज़ करना होगा तब हमें बटन जो है प्रेस करना है, तभी ये काम करेगा, ताकि ये उसके बाद ही ये सेंस करेगा कंप्यूटर स्क्रीन को, वरना ये सेंस नहीं करेगा। ट्रैक बॉल जो है ये माउस का प्रेडेसेसर है, इसका जो इन्वेंटर है उसको हमने डिस्कस किया पिछली स्लाइड्स में। तो इसमें सिर्फ एक बॉल होती है और कॉर्ड होती है और बाकी बॉडी होती है, इसमें कोई राइट क्लिक नहीं लेफ्ट क्लिक नहीं होता है। उसके बाद इम्प्रूवमेंट हुआ माउस में, और राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक आया, तो ये सिर्फ हाफ इंसर्टेड बॉल है जो अंदर होती है, जो घूमती हैं और जिसको हाथ से घूमते हैं। इससे कर्सर को आगे पीछे दाएं बाएं घुमाया जा सकता है जब बॉल को आगे पीछे दाएं बाएं घुमाएंगे। लेकिन इसमें एक एडवांटेज है कि सारा जो ये ट्रैक बॉल है नहीं मूव करना है, हमें सिर्फ बॉल मूव करनी है, उससे कर्सर मूव हो जाएगा। लेकिन जो माउस है उसको सारे को मूव करना है, तभी कर्सर मूव होगा। आजकल ये लैपटॉप्स में भी यूज़ होता है और नोटबुक्स में भी यूज़ होता है। नोटबुक आप कंफ्यूज मत कीजिए नोटबुक से, ये एक लैपटॉप होता है, लैपटॉप जैसा होता है, उसमें थोड़े कम फीचर्स होते हैं और ये चीपर होता है। एक और इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन, जिसको हम आम लैंग्वेज में मिक बोलते हैं, माइक बोलते हैं, या कोई भी प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हैं। ये साउंड को कन्वर्ट करता है एक ऑडियो फाइल में, जो कि कंप्यूटर स्टोर कर सकती हैं, या फिर इनपुट दे सकती हैं कंप्यूटर को, या एक कमांड दे सकती हैं कंप्यूटर को। जैसे कि वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है, वो कमांड लेता है माइक्रोफोन से, तो और फिर कोई काम करता है, जैसे कि हमारे मोबाइल फोन्स में होता है आमतौर पर। माइक्रोफोन यूज़ होता है स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर में भी, और ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान भी होता है यूज़ ये माइक्रोफोन। एक और इनपुट डिवाइस है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। बैंक्स जो होते हैं उनमें एक चक होती है, और चक पे एक कोड होता है जिसको बोलते हैं मिक्र कोड। उस मिक्र कोड को रीड करने के लिए ये डिवाइस है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। इसमें जो ये जो कोड होता है ये मैग्नेटिक इंक से प्रिंट किया हुआ होता है। तो ये जो मिक्र है, यानी कि मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ये
किसी भी कार्ड को रीड करता है जिसमें एक स्पेशल कोड है जो मैग्नेटिक इंक से लिखा हो। तो जो चेक्स पे मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है मिकर कोड, उसको ये मिकर मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर रीड करता है और फिर चेक्स को प्रोसेस करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। लेकिन ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, ये इसका एडवांटेज है और ये बहुत एक्यूरेट भी होता है। तो इसी तरह एक ऑप्टिकल करेक्टर रीडर भी होता है जो कि किसी हार्ड कॉपी को कन्वर्ट करता है एक सॉफ्ट कॉपी में, यानी कि एक रिटन जो नोट होता है या फिर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है किसी पीस ऑफ पेपर पे, उसको हम डायरेक्टली वर्ड फाइल में कन्वर्ट करेंगे ऑप्टिकल करेक्टर रीडर से। जब हम उसको स्कैन जैसे करेंगे तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट होगा। ये मोबाइल फ़ोन्स में आजकल होता है और कंप्यूटर्स में भी होता है। एक और इनपुट डिवाइस है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये सिर्फ मार्क को डिटेक्ट करता है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए मार्क ये डिटेक्ट करता है। इससे हम ऑब्जेक्टिव आंसर शीट्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आमतौर पर होता है। जो सही आंसर होता है वहाँ पे ये मार्क को की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। अगर प्रेजेंट होगा तो ये मार्क्स अवार्ड करता है, अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो ये मार्क्स अवार्ड नहीं करता है, और अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो गलत आंसर के लिए ये मार्क्स डिटेक्ट करता है। इसका प्रोग्राम ऐसे ही बनाया जाता है, तो रिजल्टेंट मार्क्स ये लास्ट में देता है। तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर सिर्फ मार्क की प्रेजेंस या एब्सेंस को डिटेक्ट करता है, बल्कि और ये करेक्टर रीडर जो है वो सब करेक्टर्स को डिटेक्ट करता है और इनपुट में कन्वर्ट करता है। तो एक और रीडर हैं जिसको बोलते हैं बारकोड रीडर, ये हैं बारकोड रीडर। तो कुछ जो आइटम्स होते हैं सुपरमार्केट्स में या फिर कोरियर सर्विस में या फिर पोस्टल सर्विस में, कुछ स्पेसिफिक नंबर्स को बारकोड में तब्दील किया जाता है, तो और उस बारकोड को रीड करने के लिए बारकोड रीडर एक डिवाइस है, वो वापस उसको उस नंबर में चेंज करती है। तो ये उन बारकोड्स को रीड करती हैं जो आइटम्स ऑफ सुपरमार्केट में होती हैं या फिर कोरियर्स पे होता है, तो फिर वो नंबर जो है वो ये रीड करता है और उसको फिर रिकॉर्ड करता है, जिसको हम फिर यूज़ कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि जो सुपरमार्केट है वहाँ दिया जाता है प्रिंटेड वो इनवॉइस दिया जाता है, वो बारकोड रीडर से पहले उसको स्कैन करते हैं और फिर प्रिंटेड इनवॉइस देते हैं, उसका नंबर भी मिलता है। ये मिकर कोड है, इसमें एक स्लॉट है जहाँ पे हम चेक्स को फिक्स करते हैं और फिर ये रीड करता है चेक्स के उस मिकर कोड को और कंप्यूटर को फीड हो जाता है। ये ऑप्टिकल मार्क रीडर और ऑप्टिकल करेक्टर रीडर है। यहाँ इसमें डाला जाता है डॉक्यूमेंट जिससे ये रीड करता है और ये कार्ड फिर जाती है पावर लाइन और कंप्यूटर की यूएसबी को भी। कुछ नए तरह के इनपुट डिवाइसेस भी हैं, जैसे कि डिजिटल कैमरा है, ये फोटोग्राफ्स को ऑप्टिकल इनपुट को इमेजेस में कन्वर्ट करता है, जो इमेजेस फिर हम सेव कर सकते हैं कंप्यूटर में, इनको पीडीएफ फाइल बना सकते हैं, वर्ड फाइल बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पैडल एक तरह का इनपुट डिवाइस है जो कि गेमिंग में यूज़ होता है, ये ट्रैक बॉल जैसा ही है लेकिन जो बॉल है उसमें बॉल नहीं है, इसमें व्हील है और इसमें हॉरिजॉन्टल व्हील है, और माउस में जो है व्हील है वो वर्टिकल व्हील है। आप याद रख लीजिए, इसको गेमिंग में नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह गेमिंग में जो रेसिंग गेम्स होती हैं उनमें स्टेयरिंग व्हील, फिजिकल व्हील जो है होता है, और वो हम जब दाएं बाएं घुमाएंगे तो जो गेमिंग में व्हीकल है वो भी दाएं बाएं घूम जाएगी। ये भी एक नई तरह की इन्वेंशन है, एक इनपुट डिवाइस है। लाइट गन भी इसी तरह की एक डिवाइस है जो कि शॉट्स फायर करने में मदद करती है एक गेमिंग एप्लीकेशन में, मतलब किसी को फायर लगाना है तो लाइट गन हम प्रेस कर सकते हैं डायरेक्टली उसको पॉइंट करके। इसी तरह गेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइसेस हैं जो कि हमारे गेस्चर्स, ह्यूमन गेस्चर्स को रीड करते हैं और फिर जो गेम में जो प्लेयर है उसको डायरेक्ट करते हैं अकॉर्डिंगली रिएक्ट करने के लिए। टच पैड लैपटॉप में होता है और ये अल्टरनेटिव टू माउस होता है। उस जो माउस में फंक्शंस होते हैं वो टच पैड से होते हैं लैपटॉप में, इसमें दो कीज़ भी होती है और टच पैड भी होता है, तो एक पैड जैसा होता है व्हील के बदले, तो उसमें थोड़ा फंक्शनिंग में थोड़ा फ़र्क है, लेकिन आप याद रख लीजिए कि टच पैड लैपटॉप में होता है। टच स्क्रीन जो होता है वो टैक्टाइल इनपुट को यानी कि टच को कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स में, जैसा कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स में हैं, टैब्स में हैं और नोटबुक्स वगैरह में होते हैं। ये मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ होता है, आईपैड्स में, टैबलेट्स में वगैरह वगैरह।
वेबकैम एक कैमरा होता है जो कि लैपटॉप में होता है, ये लाइव इमेजेस को एक वेब लाइव स्ट्रीम में तब्दील करता है। ये मैं अभी बता रहा था जो स्टीयरिंग व्हील है, फिजिकल स्टीयरिंग व्हील है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी गेम में जो कोई व्हीकल है उसको स्टीयर करने के लिए, उसको दिशा देने के लिए। इसमें यूएसबी कनेक्ट होता है कंप्यूटर के साथ तो फिर ये फंक्शन करता है। इसी तरह लाइट गन भी है, इसका यूएसबी कनेक्ट होता है कंप्यूटर के साथ तो फिर ये फंक्शन करता है, और फिर ये आप डायरेक्टली शूट कर सकते हैं टारगेट को एक गेमिंग एप्लीकेशन में। टीवी का रिमोट भी एक तरह का इनपुट डिवाइस ही है, अगर स्मार्ट टीवी होगा जो कि कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है तो रिमोट कंट्रोल भी एक इनपुट डिवाइस ही जैसा ही काम करती है। और बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं जो अटेंडेंस के लिए यूज़ होती हैं, बायोमेट्रिक के लिए रिकॉग्निशन के लिए यूज़ होती हैं, क्रिमिनोलॉजी में यूज़ होती हैं, वो भी इनपुट डिवाइसेस हैं क्योंकि वो भी इंसान के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्यूटर को फीड करती है। अब ये बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं जो ये या तो फिंगर टिप्स को रीड करेंगे या फिर इरिस को इरिस स्कैन करेंगे, यानी कि जो इरिस एक डायफ्राम होता है आई में उसको स्कैन करेंगे, या फिर फेस को स्कैन करेंगे, या फिर हैंड को स्कैन करेंगे। तो ये बहुत से तरह के बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं, ये भी सारे इनपुट डिवाइसेस ही हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। माउस जो है वो दो तरह का होता है, जैसा कि हमने पिछली बार भी बताया कि मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस। ये मैकेनिकल माउस मूवमेंट पे काम करता है और ऑप्टिकल माउस जो है वो लाइट की जो ऑल्ट्रेशन होती हैं उस पर काम करता है। माउस को जो है इसको इन्वेंट किया था डगलास सी एंगबार्ट ने 1963 में। कीबोर्ड्स दो तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं, एक तो क्वर्टी कीबोर्ड होता है जो हमने डिस्कस किया पिछले, और दूसरी तरफ के कीबोर्ड जो आजकल यूज़ में आए हैं एजर्टी कीबोर्ड और डोरा कीबोर्ड होते हैं। तो इनकी कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होती हैं, जैसे कि क्वर्टी कीबोर्ड की फंक्शन है वो फास्ट होता है। एक और इनपुट डिवाइस को डिस्कस किया जाता है जिसको डिजिटाइजर बोलते हैं, ये ड्राविंग्स को डिजिटल इनपुट में कन्वर्ट करता है। ये एक नया इनपुट डिवाइस है जो कि अभी नया नया ही है, पिछली बार पिछले ज़माने में ये नहीं हुआ करता था। और पिछले ज़माने में इनपुट डिवाइसेस जो होते थे वो मेमोरी भी इनपुट डिवाइस ही होती थी, फ्लॉपी डिस्क होती थी है, सीडी डिस्क कॉम्पैक्ट डिस्क भी होती है आजकल, या पेन ड्राइव भी होते हैं, ये भी इनपुट डिवाइस ही हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि ये फीड करते हैं इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को, लेकिन इनको मेमोरी भी हम काउंट कर सकते हैं। तो ये उसी जगह डिस्कस होंगे जहाँ मेमोरी डिस्कस हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम ये कंटिन्यू कर सकते हैं ये वीडियो बनाना, क्योंकि आपको सपोर्ट करना पड़ेगा हमें। और थैंक यू वेरी मच, वी विल कंप्लीट ऑल द सिलेबस। बस आप इसको शेयर कीजिए, करते जाइए और अपना अपने आप के लिए फ़ायदा उठाइए। थैंक यू वेरी मच।